सांवरिया सेठ जाना है कोरोना को भगाना है का संदेश लेकर मंगलवार को खरगोन शहर के समीप 320 साइकिल यात्रियों का जत्था सांवरिया जी दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों को चल समारोह के रूप में रवानगी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए और भजन कीर्तन कर जयकारों के साथ रवानगी दी गई। यात्रा में शामिल यात्रियों ने बताया, 2007 में ग्राम के छोटू नामक का युवक जिसे 425 किलोमीटर दूर सांवरिया जी की यात्रा पर गया था। इसके बाद हर साल साइकिल यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और देश प्रदेश जिले और गांव की सुख समृद्धि महामारी से निजात पाने के लिए यात्रा अनवरत जारी है। यात्रियों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। करीब यह 16 वर्ष है हम बेलगांव पिपड़ा से साइकिल यात्रा में अकेला, मेरा जो साथी साथ में खड़ा है छोटू भाई कुशवाहा, ये अकेला मेरे 4.5 किलोमीटर गया था 2007 में। उसके बाद से लगातार 2022 में आज 16 वर्ष चल रहा है। आज हमारी साइकिल यात्रा की संख्या 320 है। इसमें तीन जिले हैं, धार जिले के भी हैं, बड़वानी जिले के भी और खरगोन जिले के भी। इन जिलों में 50 गांव के लोग इकट्ठे बेलगांव में खड़े होते हैं और 320 साइकिलों लेकर फिर सांवरिया से चित्तौड़गढ़ मंडपिया जाते हैं। बेलगांव से सांवरिया सेठ की जो किलोमीटर की दूरी है 425 किलोमीटर है। हम 4 दिन में सांवरिया जी के दर्शन करते हैं। पहला पड़ाव हमारा धार के पास रहेगा, दूसरा रतलाम से आगे नामली में रहेगा और तीसरा मंदसौर से आगे मल्हारगढ़ में, और चौथे दिन हम शेर साहब के दर्शन कर लेंगे। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि भारत से और पूरे विश्व से जो महामारी फैली है तीन वर्षों से लगातार दिक्कत जो दे रही है महामारी कोरोना ओमिक्रॉन, उसको पूर्ण मुख से भारत और विश्व से भगाना है। पूरे देश में शांति का माहौल रहे, भाईचारा रहे, इसी उद्देश्य के साथ में हम साइकिल यात्रा निकालते हैं। इस बार 16 वर्ष है वो हमारे जो क्षेत्र के खरगोन विधानसभा क्षेत्र के हमारे बड़े भाई रवि भैया जब से विधायक बने तब से भी और पहले से भी हर समय हमारी मदद करते हैं। उन्होंने हमारे हम उनके लेटर पेड पे लिख के दिया है कि जो साइकिल यात्रा 330 साइकिल यात्री जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ये मंगल कामना उन्होंने भी सामने सेट की है। अतः हम सब जो 300 साइकिल यात्री हैं 320 साइकिल यात्री हैं सामने सेट से मुक्ति करेंगे, इस देश से कोरोना महामारी की मुक्ति हो जाए। जैसा टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।